का टॉपिक रहने वाला है ब्लैंक वर्स ब्लैंक वर्स इज द नेम गिवन टू द पोइट्री दैट लैक्स राइम्स बट डज नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक मीटर ब्लैंक वर्स एक ऐसी पोइट्री है जिसमें राइम्स तो होती हैं लेकिन वो किसी भी स्पेसिफिक मीटर को फॉलो नहीं करती अ मीटर दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज आयम्बिक पैटामीटर एक मीटर क्या होता है जो ऑलवेज आयम्बिक पैटामीटर होता है यानी कि ये एक, ये एक मीटर की टाइप है प्लैंक वर्स वॉज पर्टिकुलरली पॉपुलर इन इंग्लिश पोइट्री रिटर्न बिटवीन द सिक्सटीन एंड द ट्वेंटी सेंचुरी इसका जो टेन्योर है वो सिक्सटीन सेंचुरी और ट्वेंटी सेंचुरी के बीच में चला इंक्लूडिंग द प्लेज ऑफ शेक्सपियर यानी कि हमें शेक्सपियर के प्लेज में भी देखने को मिला इसमें क्या होता है बेसिकली एक पहली जो लाइन होती है किसी भी पोइट्री की वो एक अनस्ट्रेस सिलेबल होती है और दूसरी लाइन होती है वो स्ट्रेस सिलेबल होती है जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ हेमलेट के एक प्ले की और जिसका एक लाइन हमने ली है माई हार्ट फॉर आई मस्ट टू होल्ड माई टंग इसमें आप देखेंगे माई हार्ट यानी कि जो पहला जो सिलेबल है वो वो माई है यानी कि वो एक अनस्ट्रेस सिलेबल है और हार्ट है जो एक स्ट्रेस सिलेबल है फॉर आई यानी कि पहला अनस्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस तो ऐसे ही इसका पैटर्न चलेगा ब्लैंक वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्ल ऑफ सरी इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ बुक सेकेंड एंड बुक फोर्थ ऑफ वर्जल्स एनियड इसका जो सोर्स है पहले किस में यूज किया गया था बुक सेकंड एंड बुक फोर्थ ऑफ वर्चल्स दी एनियड में बिकेम द स्टैंडर्ड मीटर फॉर द एलिजाबैथन एंड लेटर पोइटिक ड्रामा ये बाद में जाकर एक स्टैंडर्ड मीटर बन गया अलीजाबैथन और बा, बाकी सारे पोइटिक ड्रामाज के लिए इट इज स्टिल द मीडियम इन सच ट्वेंटियथ सेंचुरी ब्लैंक वर्स प्लेस जैसे कि आज भी आज भी ये ट्वेंटियथ सेंचुरी में भी देखा जा सकता है इसकी अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो मैक्सवेल एंड्रीसन मैक्सवेल एंड्रसन और टी एस एल के काफ़ी सारे वर्क्स में हमें देखने को मिलता है और जॉन मिल्टन ने अपने एक बहुत एपिक पोई में इसका यूज़ किया है पैराडाइज लॉस्ट जेम्स सॉम्सन्स का सीजंस, विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रिल्यूड एल्फ्रेड लॉर्ड टेलीजन फॉर आइडियल्स ऑफ द किंग में और रॉबर्ट ब्राउनिंग थी द रिंग एंड द बुक में काफ़ी सारी और बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जिसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ हमें देखने को मिलेगा तो ये था हमारा आज का टॉपिक होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा लिटरेचर के रिगार्डिंग अदर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें थैंक यू